बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं नादिया नाज़ौरी, शोबा उर्दू की मुदर्रिस, आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, पहले लेक्चर में मैंने आपको पेपर पैटर्न समझाया था और आपसे कहा था कि इसके बाद हम जो है वो किताब का बकायदा आगाज़ करेंगे। लेकिन किताब के बकायदा आगाज़ से पहले मैं आपको उर्दू अदब और असनाफ़ अदब से मुतालिक बताना चाहूँगी, इसलिए कि आप उर्दू अदब के तालिबे इल्म हैं, आपको पता होना चाहिए कि उर्दू अदब क्या है। निज़ आपकी किताब की जो फहरिस्त है, इंडेक्स है, उसमें जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, हिस्सा नसर है, हिस्सा नज़्म है, गज़लें हैं, उसमें आपको उसके समझने में भी आसानी होगी। निज़ बोर्ड के पेपर में बहुत सी MCQs उर्दू असनाफ अदब के हवाले से आती हैं। आप चूँकि फ़र्स्ट ईयर के तालिबे इल्म हैं, इसलिए आपको उर्दू अदब और असनाफ नसर और असनाफ नज़म, इनकी आपको जो है वो बेसिक्स, आपको बुनियादी बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नसर क्या है, नज़म क्या है, आप जो मुख्तलिफ चैप्टर्स पढ़ेंगे, मुख्तलिफ सबक पढ़ेंगे, जिनमें मज़ामीन भी शामिल हैं, जिनमें सफ़रनामा भी शामिल है आपकी किताब में, जिसमें तंज़ो मिज़ा भी शामिल है, खतूत भी शामिल हैं, तो ये किस किस कैटेगरी में आते हैं, ये उर्दू असनाफ नज़म की कौन सी किस्म है, ये समझने के लिए आपका उर्दू अदब और असनाफ अदब समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से MCQs जो है वो असनाफ अदब के लिहाज से भी आते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो है दर्सी किताब में नज़म है बरसात की बहारें, तो उसके हवाले से भी जो है वो MCQ पेपर में आता है कि नज़म बरसात की बहारें हैयत के लिहाज से क्या है। अब आपको उर्दू अदब के हवाले से नहीं पता, उर्दू असनाफ अदब के हवाले से नहीं पता, तो आपके लिए इस MCQ को समझना ही बहुत मुश्किल होगा कि हैयत क्या चीज़ है। तो इसलिए आज मैं आपको दूसरा लेक्चर, किताब के बाकायदा आगाज़ से पहले दूसरा लेक्चर मैं आपको उर्दू अदब के हवाले से दूंगी, और जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि उर्दू अदब क्या है और मुख्तलिफ असनाफ अदब क्या है, नज़म बलिहाज मौजू क्या होती है और नज़म बलिहाज हैयत क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले उर्दू अदब की तारीफ़। अदब क्या है? अदब यानी लिटरेचर। किसी भी ज़बान का अदब हो वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, नसर और शायरी, नसर और नज़्म या शायरी। तो उर्दू अदब भी जो है वो नसर और नज़्म से मिलकर जो है वो तश्कील पाया है। नसर क्या चीज़ है और नज़्म क्या चीज़ है? नसर नसरी असनाफ अदब, नसरी असनाफ अदब से मुराद बेहतरीन अल्फाज में उम्दा बात करना, यानी नसर में जुमले की बनावट पर ख़ास तवज्जो दी जाती है लेकिन वज़न पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। वज़न, वज़न से मुराद शायरी के मुख्तलिफ औज़ान हैं। ये जो शायरी है इसका बाकायदा इल्म उरूज होता है, जिसके मुख्तलिफ औज़ान होते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लीजिए कि गज़ल, नज़्म, गज़ल ये बाकायदा वज़न पर होती हैं। एक एक लफ्ज़ बाकायदा वज़न पर होता है। इल्म तख्ती बाकायदा जो है वो एक इल्म है जिसके तहत जो है वो शायर एक एक लफ्ज़ को जो है वो एक एक लफ्ज़ के वज़न का ख्याल रखकर, शायरी की मुख्तलिफ बहरें होती हैं उसका ख्याल रखकर जो है वो अल्फाज का इंतखाब करता है, अल्फाज का चुनाव करता है। तो शायरी में जो है नसर में वज़न पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, नसर में बल्कि नसर में हकीकत होती है। शायरी में तो तखय्युल होता है, शायर का तखय्युल, शायर का तसव्वुर, लेकिन नसर में जो है वो हकीकत बयान की जाती है और साफ अल्फाज में वाज़ह बात की जाती है, ये नसर। और शेरी असनाफ अदब से क्या मुराद है? अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा असनाफ से क्या मुराद है। ये जो लफ्ज़ असनाफ है ये सिन्फ की जमा है और सिन्फ का मतलब होता है किस्म, यानी उर्दू अदब की कौन कौन सी किस्में हैं। बुनियादी इसकी दो किस्में मैंने आपको बताई, नसर और नज़्म यानी या शायरी, ये दो इसकी बुनियादी असनाफ हैं। लेकिन इन बुनियादी असनाफ की भी मज़ीद ज़ेली इकसाम हैं, वो मैं आपको आगे जो है वो लेक्चर में बताती हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे थे शेरी असनाफ अदब, तो असनाफ का मतलब होता है किस्म। अब शेरी अदब की कौन कौन सी किस्में होती हैं और उससे क्या मुराद है? तो नज़्म की मुख्तलिफ असनाफ पर मुश्तमिल शेरी असनाफ अदब कहलाता है, यानी नज़्म के जो मुख्तलिफ अकसाम हैं,
नज़म में मुखम्मस है, मुसद्दस है, नज़म में हम्द है, नात है, मनकबत है, कसीदा है, तो ये सब मुख्तलिफ असनाफ़ नसर जो है इन पर मुश्तमिल शेरी असनाफ़ अदब कहलाता है। और नज़्म किसको कहते हैं? नज़्म किसको कहते हैं? अशार के मजमूए को कहते हैं, ऐसा मजमूआ जो किसी मौजू पर इल्मे उरूस के उसूलों के तहत तश्कील पाए। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि एक बाकायदा इल्मे उरूस है जिसमें वज़न होता है, बहर होती हैं मुख्तलिफ, उसके तहत यानी वज़न का ख्याल रखा जाता है, और वज़न अगर शेर बेवज़न हो जाए, कोई एक भी हर्फ की कमी या बेशी हो जाए तो शेर बेवज़न हो जाता है। इसीलिए मैं अपने लेक्चर में कहती हूँ कि जब आप अपनी इम्तिहानी पर्चे में या आपका टेस्ट हो, जायज़ा आप दे रहे हों, उसमें शेर को आपने मिन व अन यानी उसको बिल्कुल वैसा ही लिखना है जिस तरह वो किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि शेर का मामला ये है कि उसमें औज़ान का ख्याल रखना पड़ता है, तो आपके एक भी उसमें एक भी हर्फ की कमी बेशी से शेर बेवज़न हो जाता है। इसलिए आपको शायर, अगर आप जो है वो अशार लिख रहे हैं, अशार वाले सवाल कर रहे हैं, तो उसमें आपने जो है वो इस बात का ख्याल रखना है। तो नज़म अशार के इस मजमूए को कहा जाता है जो है वो इल्मे उरूस के उसूलों के तहत तश्कील पाए, यानी उसमें जो है वो इल्मे उरूस के उसूलों का ख्याल रखा जाता है। शेरी असनाफ़ अदब में जुमले की बनावट पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ नसर में जुमले की बनावट पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है, ग्रामर का ख्याल रखा जाता है, मगर इसमें जो है वो शेरी असनाफ़ अदब में, शायरी में जो है वो कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, मगर उसका अंदाज़ बहुत दिलकश और दिलनशीन होता है। और इसके अलावा इसमें अल्फाज की तरतीब का तो ख्याल नहीं रखा जाता, मगर वज़न का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाता है। वही बात कि शायरी में बुनियादी जो चीज़ है वो है वज़न का होना। ये इल्मे उरूज़ है, बाकायदा जो है वो इसके मुख्तलिफ औज़ान हैं, उसके तहत शायरी की जाती है, तो शायरी में वज़न का ख्याल रखा जाता है, ये इसकी जो है वो बुनियादी खसूसियत है। तो असनाफ़ अदब की दो बुनियादी इकसाम, दो बुनियादी असनाफ, नसरी असनाफ़ अदब और शेरी असनाफ़ अदब आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम जो है वो इसकी मज़ीद जो ज़ेली इकसाम है उसकी तरफ जो है वो चलते हैं। असनाफ़ नसर इसकी मज़ीद कौन कौन सी इकसाम है, और असनाफ़ नज़म, असनाफ़ शायरी, असनाफ़ नज़म इसकी मज़ीद कौन कौन सी इकसाम है, इसको समझने के बाद आपको जो आपकी दर्सी किताब, निसाबी किताब है, उसकी फहरिस्त भी समझने में आसानी हो जाएगी। अमूमन जो कॉलेज में नए स्टूडेंट्स आते हैं, नए तलबा तालिबात आते हैं, उन्हें किताब की फहरिस्त को ही जो है वो समझने में मुश्किल होती है कि यह हिस्सा नसर क्या है, यह हिस्सा नज़्म क्या है, मज़ामीन है, और ये सफ़रनामा, तंज़ो मिज़ा ये क्या है। तो उसके लिए मैं आपको जो है वो बताऊँगी असनाफ़ी नसर, अफसानवी नसर, असनाफ़ नसर दो मज़ीद इसकी ज़ेली इकसाम है, अफसानवी नसर और गैर अफसानवी नसर। अफसानवी नसर में आ जाती हैं दास्तान, नावल, नावल्ट, अफसाना, अफसानचा और ड्रामा। दास्तान क्या है? दास्तान बादशाहों, शहजादों, जिनों, परियों, भूत प्रेत की कहानियाँ, इनको जो है दास्तान, तवील दास्तान बयान की जाए। माफ़ोकुल फितरत अनासिर इन्हें कहा जाता है, यानी जिनका वजूद नहीं होता लेकिन जो है वो इसको बयान करना दास्तान कहलाता है, जो है हकीकत पर मबनी नहीं होता, लेकिन जो है वो पुराने ज़माने में बहुत शौक़ से जो है वो लोग दास्तानें सुना करते थे। आजकल के तो बिल्कुल तालिबात जो है वो इस पर यकीन शायद ना करें, लेकिन ये पिछले ज़माने में, ज़माने के साथ साथ जिस तरह जो है वो ज़माना बदलता है, इंसान की जो है वो तरजीहात भी बदलती जाती हैं। उसके बाद है नावल। नावल एक तवील कहानी होती है जिसमें जो है वो ज़िंदगी के वाक़यात, हालात बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में बयान किया जाता है। किसी शख्स की पूरी ज़िंदगी को इसमें बयान किया जाता है, और तमाम तर जुज़वियात के साथ, तमाम तर जो है उसमें वाक़यात, हालात बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में होते हैं, तो वो नावल कहलाता है। नावल के बाद है नावल्ट। नावल्ट का मतलब है मुख्तसर नावल। जैसे जैसे ज़माना बदलता जाता है, आज हमारी ज़िंदगी जो है वो मशीनी ज़िंदगी हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी हो गई है, अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है
कि वो नावल नावल जो ज़खीम नावल पढ़ें, यानी कि 200 सफ़ात 300 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो नावल पढ़ें। तो इस ज़माने की तेज़ रफ्तारी ने, मरूर अयाम ने नावल को जन्म दिया, यानी मुख्तसर नावल को। उसके बाद है अफसाना। अफसाना कहते हैं शॉर्ट स्टोरी को, मुख्तसर कहानी को, जो एक नशस्त में पढ़ ली जाए, एक घंटे में पढ़ ली जाए। अफसाने की खसूसियत, इसको अफसाना भी जो है वो ज़माने की तेज़ रफ्तारी से जो है वो जन्म लिया अफसाने ने। लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि वो जो है वो इतनी तवील तर दास्तानें और नावल जो है वो पढ़ें। तो अफसाने की खसूसियत क्या होती है? अफसाने की खसूसियत है इख्तिसार। अफसाना जो है वो मुख्तसर जो है कहानी को कहते हैं। और इसकी एक और खसूसियत है वहदत तासुर, यानी अफसाने में ज़िंदगी के किसी एक पहलू को बयान किया जाता है। यहाँ नावल में तो पूरी ज़िंदगी को ज़ेरे बहस लाया जाता है, पूरी ज़िंदगी के वाक़यात, पूरी ज़िंदगी के हालात, तमाम तर जुज़वियात, तमाम तर तफसीलात डिटेल के साथ बयान किया जाता है। लेकिन अफसाने में वहदत तासुर होता है, ज़िंदगी के किसी एक पहलू पर बहस की जाती है, चाहे किसी की ज़िंदगी का कोई दुख है या किसी की ज़िंदगी की कोई खुशी है, वो बयान की जाती है। उसके बाद है अफसांचा। अफसांचा है मुख्तसर अफसाना, ये भी जो है वो ज़माने की तेज़ रफ्तारी ने इसको जन्म दिया। उसके बाद है ड्रामा। ड्रामा ड्रामा जो है उसके मायने होते हैं नक्काली, यानी करके दिखाना। ड्रामे में मुख्तलिफ किरदार जो हैं वो अपने मुख्तलिफ किरदार स्टेज पर एक्ट करके दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं, अपनी जो है वो एक्टिंग के ज़रिए जो है वो कहानी को बयान करते हैं। तो बाकायदा जो है वो अमली तौर पर नक्काली करना, अमली तौर पर जो है वो बयान करना ड्रामा कहलाता है। ये हो गई अफसानवी नसर। हम अफसानवी असनाफ़ नसर की ज़ेली इकसाम पढ़ रहे हैं, जिसमें ये अफसानवी नसर है। और उसके बाद हमारी दर्सी किताब में नावल मामा अजमत नावल है, जो कि मिराते उरूज से अख्ज़ किया गया है। तो और इसके अलावा अफसाना जो है वो आप इंशाल्लाह 12वीं जमात में जो है वो हमारे मुख्तलिफ अफसाने जो है वो हैं वो आप अगली जमात में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नावल किसे कहते हैं, अफसाना किसे कहते हैं। अफसानवी नसर के बाद है गैर अफसानवी नसर। ये आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आपकी दर्सी किताब में तकरीबन ये सब जो है वो मुख्तलिफ गैर अफसानवी नसर भी मौजूद हैं। सबसे पहले है मज़मून। आपकी दर्सी किताब में जो हिस्सा नसर है, सबसे पहला हिस्सा नसर है, उसमें जो है शुरुआत आगाज़ हो रहा है मुख्तलिफ़ मज़ामीन से। मज़मून क्या होता है? किसी एक मौजू पर तमाम तर मालूमात यकजा कर देना, मालूम एक टॉपिक पर, एक मौजू पर तमाम जो है वो मालूमात को यकजा कर देना मज़मून कहलाता है। और वह तमाम मालूमात एक ही मौजू पर होती हैं। तो आपकी किताब में जो है वो हिस्सा नसर में पहले मज़ामीन है, रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसान पहला सबक है, जो कि इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो वो आपने याद रखना है कि असनाफ़ अदब और असनाफ़ नसर के लिहाज से रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसान, जो पहला आपका सबक है, वो जो है वो असनाफ़ नसर के लिहाज से मज़मून है। ये सवालात इस तरह के जो है वो MCQs में आते हैं, और ऐसे सवालात के जवाबात वही तुलबा तालिबात दे सकते हैं और देते हैं जिन्हें असनाफ़ नसर के बारे में मुकम्मल आगाही होती है। उसके बाद है खाका। खाका आपका 12वीं जमात में जो है वो सवानी और शख्सी खाके हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, खाका कहते हैं कलमी तस्वीर को। हम जैसे किसी शख्स से मिलते हैं, हमें उसके बारे में मालूमात, उसकी आदतें पता चलती हैं, उसका हुलिया पता चलता है, इस तरह किसी से बग़ैर मिले तहरीरी सूरत में पढ़ कर मिलना, यानी कि मुसन्निफ़ इसमें किसी की खाके की भी दो किस्में होती हैं, सवानी खाका एक होता है और एक शख्सी खाका होता है। शख्सी खाका वो कि जिसमें किसी इंसान की आदात किरदार, उसकी जो है वो उसका हुलिया कि वो दिखने में कैसा लगता है और उसके जो है वो आदतें कैसी हैं, उसकी खसूसियात कैसी हैं, ये सब जो है वो शख्सी खाका कहलाता है। और इंतहाई दिलचस्प अंदाज़ में ये जो है वो किसी शख्स के बारे में लिखा जाता है, और सवानी खाके में उसकी ज़िंदगी के वाक़यात भी आ जाते हैं।
तो ये जो है वो कलमी तस्वीर कहलाती है, यानी खाका पढ़कर हमें जो है वो किसी शख्स के बारे में मुकम्मल आगाही हो जाती है कि वो जो है वो उसकी आदतें क्या हैं, उसका किरदार कैसा है, उसकी खसूसियात क्या हैं और उसकी ज़िंदगी के हालात क्या हैं। खाके जो है वो आपकी 12वीं जमात में मौजूद हैं। उसके बाद है खतूत। खतूत का एक नाम मकतूब भी है। मैं अपने लेक्चर्स में जो उनवानात के दूसरे नाम भी होते हैं वो भी मैं जो है वो इसलिए साथ में लिख देती हूँ ताकि अगर आप कहीं और कोई और उनवान के तहत उसे पढ़ें तो आपको जो है वो कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई परेशानी, कोई ज़हनी उलझन ना हो कि ये क्या चीज़ है। तो खतूत आपके जो है वो दर्जी किताब में मौजूद हैं। गालिब का ख़त है, अल्लामा इकबाल का ख़त है, तो इसको मकतूब भी कहा जाता है। खतूत को आधी मुलाकात भी कहा जाता है, जिसमें जो है वो किसी शख्स से जो है वो बातें की जाती हैं तहरीर के ज़रिए। अब तो पहले के ज़माने में खतूत लिखे जाते थे, अब तो इसकी जगह जो है वो SMS और ईमेल का ज़माना आ गया। ईमेल को उर्दू में कहते हैं बरकी खतूत। तो खतूत की जगह अब जो है वो बरकी खतूत ने ले ली है। अब वो जो है वो एक चंद सेकंड में जो है वो चंद सेकंड क्या एक सेकंड में भी जो है वो ईमेल एक जगह से जो है वो दूसरी जगह ईमेल चली जाती है। इतने ज़माने ने तरक्की कर ली है तो इससे जो है वो खतूत की अहमियत कम हो गई है। लेकिन आज भी जो है वो ये सिन्फ़े अदब जो है वो आज भी जो है वो मकबूल है और लोग जो है वो गालिब इस में खतूत निगारी में गालिब ने जो है वो बहुत अहम किरदार अदा किया है और उन्होंने जो है वो मुरासले को मुकालमा बना दिया। ये हम इंशाल्लाह जब गालिब के खतूत पढ़ेंगे अपने तो उसमें जो है वो फिर हम इस पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे। उसके बाद है सफ़रनामा। सफ़रनामा क्या होता है? किसी दूसरे मुल्क की सकाफ़त, किसी दूसरे मुल्क के हाल अहवाल, उसके मुख्तलिफ़ मकामात, उनको बयान करना। सफ़रनामे का मकसद ये होता है कि कारीन में दूसरे मुल्कों के बारे में मालूमात का तजस्सुस पैदा करना। कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क जाता है तो वहाँ जाकर वो जहाँ उस मुल्क की जो सकाफ़त देखता है, वहाँ के बाशिंदों का रहन सहन देखता है, उन सबको जो है वो तहरीरी सूरत में यकजा करके कर देता है, उसको जो है वो सफ़रनामा कहलाता है। वो यानी किसी दूसरे मुल्क की सैर, किसी दूसरे मुल्क की सकाफ़त को जानना। हमारे भी आपकी दर्सी किताब में मैक्सिको सिटी और मैं और एक शाम माजी के मेहराबों में ये दो सफ़रनामे आपकी किताब में मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह हम आगे जो है वो पढ़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए मैक्सिको सिटी और मैं जो हम पढ़ेंगे और इसके अलावा एक शाम माजी के मेहराबों में पढ़ेंगे वो उर्दू असनाफ़े अदब या उर्दू असनाफ़े नसर के लिहाज से वो सफ़रनामा हैं। इस तरह के MCQs पेपर में आते हैं। उसके बाद है आप बीती। आप बीती का दूसरा नाम खुद नविश्त भी है। नविश्त कहते हैं फारसी ज़बान में लिखने को और खुद इसको जो है वो इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, यानी कि इसमें मुसन्निफ़ अपनी ज़िंदगी के हालात खुद बयान करता है तो इसको जो है वो ऑटोबायोग्राफी कहलाते हैं। और बायोग्राफी वो कहलाती है जो है वो किसी की ज़िंदगी के वाक़यात कोई और कलमबंद करे, कोई और लिखे। इसके बाद है तंज़ो मिज़ा। तंज़ो मिज़ा जैसा कि नाम से ज़ाहिर है मिज़ा यानी मज़ाहिया अंदाज़ में हल्के फुल्के अंदाज़ में जो है बयान करना। तंज़ो मिज़ा में मुआशरे की जो नाहमवारियाँ होती हैं, मुआशरे के जो मसाइल होते हैं, उनको हल्के फुल्के अंदाज़ में मज़ाहिया अंदाज़ में बयान किया जाता है जो कि कारीन पर गरा भी नहीं गुज़रता। हंसते हुए जो है वो तहरीर पढ़ भी ली जाती है और मुआशरे के मसाइल भी जो है वो इल्म में आ जाते हैं तो वो तंज़ो मिज़ा कहलाता है। आपकी दर्सी किताब में भी जो है बाईसाइकिल की तालीम मेबिल और मैं आपके जो है वो तंज़ो मिज़ा पर मबनी उर्दू असनाफ़ नसर के लिहाज से तंज़ो मिज़ा पर जो है वो मबनी मज़ामीन है जो कि इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो थी असनाफ़ नसर, ये तो थी असनाफ़ नसर। और इसके बाद जो है हम असनाफ़ नज़्म, नज़्म जो है वो मैं आपको समझाऊँगी। आज का ये लेक्चर जो है वो यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको जो है वो असनाफ़ नज़्म वाले हाज़े मौजू और असनाफ़ नज़्म बलहाज़ हैयत समझाऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।